so much. Nirgamaya Mrityornamritam gamaya. Sarvepi sukhinah santu, sarve santu niramaya. Sarve bhadrani pashyantu, ma kashchit dukha bhad bhavet. Gauh shantihi, shantihi, antariksha shantihi, shantihi, prithivi shantihi, shantihi, aapah shantihi, shantihi, ओषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः शान्तिः क्रोधः शान्तिः शान्तिः ब्रह्मः शान्तिः शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिः शांतिरेव शांतिः शांतिः सामशांतिरेधि यतो यत समीहसे ततो नोमभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु महाराज धनानंद ने सारे मगध में आग लगाने की आज्ञा क्यों नहीं दी? क्या नए कर लगाने से पहले महाराज ने मेरी आज्ञा ली थी? फिर क्यों करों की वसूली के लिए नए अधिकारियों की नियुक्ति की आज्ञा मुझे दी जा रही है? और महामात्य वकनास इस अव्यवस्था और भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं? ठीक तो है, अब तक तो जीवित हूं। यदि आज तुम नहीं जागे तो मगध कभी सुसमय नहीं देखेगा। आरे
आधी रात के बाद से घर से गायब है। तुमने महामंत्री को ज्यादा देखा था? महामंत्री को सभी जानते हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। तुम अभी घर जाओ, मैं कल सुबह। नहीं नहीं मिलन, तब तक बहुत देर हो जाएगी। मैं चणक यहाँ जा रही थी किंतु मार्ग में प्रहरियों को देखकर डर कर लौट आई हूँ। देखो भामनी, मिलिंद तुम तो महामंत्री के सुख दुख के साथी हो, तुम क्या आज मेरी मदद नहीं करोगे? ठीक है, मैं महामंत्री को ढूंढता हूँ। नहीं थी कि वह विक्षिप्तों की भांति पाटलिपुत्र की वीथियों में स्वर्ण मुद्राएं बिखेरता दृष्टिगोचर होगा। क्या आवश्यकता थी इस दुस्साहस की? कल पाटलिपुत्र में कोई भी दुर्घटना हुई तो उसका उत्तरदायित्व कौन वहन करेगा महामंत्री? उसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूं मिलिंद। शक्तार, तुम मगध के महामंत्री हो इसलिए धनन से लड़ने का साहस कर रहे हो।
पर एक साधारण आदमी सत्ता से नहीं लड़ सकता। और कल जब तुम महामंत्री के पद से फेंक दिए जाओगे तो तुम भी एक साधारण आदमी ही होगे। तो क्या मैं अपनी आंखों से भ्रष्टाचार होते देखता रहूं? शक्तार, तुम भ्रष्टाचार से कम धनन से ज्यादा लड़ रहे हो। तुम्हारी लड़ाई व्यक्तिगत होती जा रही है। तुम धनन को चुनौती देने जा रहे हो पर सारे मागत तो घरों में चुप बैठे हैं। इस लड़ाई में सिर्फ तुम टूटोगे। मैं मरने से नहीं डरता। तो लो, आत्महत्या कर लो। मिलिंद भामिनी, आदमी पागल हो गया है। मैं तुम्हारा मित्र हूं और मित्र होने के अधिकार से कहता हूं तुम धनन से नहीं लड़ोगे। मैं तुम्हारे साथ हूं पर मुझे एक वचन दो कि पाटलिपुत्र में कोई भी उपद्रव तुम्हारे कारण नहीं होगा। तो मैं जाऊं? पिताजी को संभालना। शक्तार के संबंध में क्या विचार कर रहे हैं? अमात्य, आप महाराज धनन के सेवक हैं, उनके विचारों को पढ़ने का प्रयास मत करिए, मात्र उनके आदेशों का पालन करते रहिए। प्रणाम महामात्य। महामात्य पौर्मिलिंद, अपने परम मित्र शक्तार के घर से आज प्रातः काल निकलते हुए देखे गए हैं। परम मित्र? परम मित्र ही या परम शत्रु होगा। लोकाल जाई पौर मिलिंद को अपनी मित्रता का निर्वाह करने का आदेश दे दो। राजनीति में मित्रता का कोई स्थान नहीं होता, यह बात पौर मिलिंद को आज समझ में आएगी। से हो सकता है? शक्तार मेरा मित्र है। पौर मिलिंद, ये आदेश तुम तक पहुंचाना मेरा काम था। इसका पालन करना ना करना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है।
तू भीतर क्यों नहीं आ रहा? सब ठीक तो है ना मिलिंद? तुम बोलते क्यों नहीं मिलिंद? तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को महाराज धनन ने बुलाया है शक्तार। तुम सत्य छिपा रहे हो मिलिंद। सत्य सुनने का साहस है तो सुनो। मैं तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को बंदी बनाने आया हूं। मिलिंद, और कहो तुम्हारे घर महाराज धनन का सेवक पौर मिलिंद आया है तो सुनो। पौर मिलिंद, क्या मैं अपना अपराध जान सकता हूं? कल रात राजकोष से लाखों स्वर्ण मुद्राएं चुराकर पाटलिपुत्र की वीथियों में बिखेरने का तुम पर आरोप। ठीक है पार मिलिंद, तुम अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। मैं मिलिंद के मित्र के अधिकार से कह रहा हूं, कोई उपद्रव नहीं करूंगा। और एक पल ठहरो, मैं अपने पुत्रों को बुला लूं। क्या बात है पिताजी? मेरे दोनों पुत्रों को आज महाराज धनानंद ने मिलने के लिए बुलाया है। हमसे पिता की तरह बोलिए पिताजी। मगध के महामंत्री से नहीं, पर अपने पिता से तो ये अपेक्षा रखते हैं कि वो हमसे सच ही बोलेगा। महाराज धनानंद को मेरे पुत्रों से क्या काम हो सकता है महामंत्री? बोलिए पिताजी। इसका उत्तर तुम्हें तुम्हारा पिता भी नहीं दे सकता। चलो मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा और ना मैं किसी को जाने दूंगा। जाना तो होगा बेटे, तुम्हारी अर्थियों को कंधा दे सकूं इतना कठोर नहीं हुआ मैं। और मैं तुम्हारे कंधों पर मरघट तक जाना चाहूंगा। धनानंद तीन चिताओं की लकड़ियों पर घर आसानी से दे देगा, इसलिए कहता हूं बेटे जीवित रहो। दुष्टों की अर्थी उठाने के लिए मुझे तुम्हारे कंधों की भी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए पिताजी, आज महाराज धनानंद को शट्टार के पुत्रों का परिचय जरूर मिलेगा। अपने अश्व पर ही आएंगे महामंत्री।
प्रणाम महामंत्री। शास्त्रों ने कहा राजा ईश्वर का रूप है, हमने माना, हमने उसके आदेशों को ब्रह्मवाक्य माना, पर वे भूल बैठा कि हमारे विश्वास से ही उसका अस्तित्व है। उसने वचन दिया था कि वह हमारे योगक्षेम का वहन करेगा, पर उसने विश्वासघात किया। किस आधार पर मगध के नागरिक का विश्वास करेंगे कि उनका भविष्य मगध के शासक के हाथों में सुरक्षित है, जबकि मागदों का लोक प्रतिनिधि महामंत्री शक्तार राजकीय कारावास में सत्ता के समक्ष सत्य को मुखरित करने का दंड भोग रहा है। महामंत्री शक्तार की यह स्थिति है तो कल मगध के नागरिकों का क्या होगा? चारों वेदों, न्याय व धर्म शास्त्र के ज्ञाता व तीनों आश्रमों के प्रतिनिधियों से बनी इस परिषद से मेरी प्रार्थना है कि परिषद गली गली घूमकर नगर के मार्ग अवरुद्ध कर महाराज धनन के विरुद्ध गलत प्रचार करें, आचार्य चणक को रोके। महामात्य वक्रणास, परिषद तो स्नातकों के ज्ञान की परीक्षा लेता है, उनका सम्मान करता है एवं शास्त्र संबंधी विवादों का निर्णय करता है। आचार्य चणक को आदेश देना परिषद के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, वह अधिकार तो महाराज धनन का है। पर क्या शास्त्र शिक्षक को विद्रोह और षड्यंत्र का सूत्रपात करने की अनुमति देते हैं? मैं छात्र प्रतिनिधि वेदों को साक्षी रखकर आपसे पूछ, महामात्य वक्रनास, जो शिक्षक अपने ज्ञान के छत्र से समाज की रक्षा करता है उससे आज सत्ता को भय क्यों लग रहा है? क्या आचार्य चणक कोई आंधी है जो महाराज धन्नन को सूखे पत्ते की तरह उड़ा ले जाएगी? महामात्य वक्रनास, शिक्षक को हम भविष्य का निर्माता मानते हैं, तो बदलती हुई परिस्थितियों में शाश्वत सत्य मूल्य व ज्ञान के प्रकाश में वर्तमान में परिवर्तन करने का उसको अधिकार है। शास्त्रों का पालन करने वाला शास्त्रों का रचयिता भी होता है। महामात्य वक्रनास, जिस शिक्षक की गोद में निर्माण वो प्रलय दोनों खेलते हैं, क्या वह कभी षड्यंत्र रच सकता है? यदि आचार्य चणक को मगध के भविष्य के लिए पूरे मगध को भी चुनौती देनी पड़े तो भी यह परिषद उन्हें रोक नहीं सकती। मैं निश्चित टालना चाहता हूँ देव,
नियति अटल है। शिक्षक पाटलिपुत्र की वीथियों में विद्रोह करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। प्रसाद के स्वर को संबल प्रदान करने के लिए मागधों को पुकार रहा हूँ, ताकि मगध के नागरिक मगध के मंत्री परिषद से यह पूछे कि महामंत्री शक्तार को बंदी क्यों बनाया गया, किस अपराध के लिए पाटलिपुत्र के पौर मिलिंद ने महामंत्री शक्तार उनकी संतानों को बंदी बनाया, और क्यों मगध का मात वर्ग इस घटना के बाद भी मूक है। संभवतः मगध का मातवर्ग भी इस कुचक्र में सम्मिलित है, और यदि ऐसा है तो पाटलिपुत्र की ऊंची अट्टालिकाओं में बैठे मातवर्ग वो मगध के राजतंत्र को स्मरण करा दूं कि मगध के भाग्य विधाता मात्र वे नहीं है, अभी तो मगध जनपद के वे नागरिक भी हैं जो मगध के पड़कुटीलों में जी रहे हैं। वो सन्यासी जो जीवन का मुंह त्याग चुका है, मगध का हलदारी कृषक जो मगधों का पोषण कर रहा है और गर्भ में आकार ले रहा वो शिशु भी मगध का भाग्य विधाता है। मगध का राजतंत्र भी हमारी आकांक्षाओं अभिलाषाओं और विश्वासों पर टिका है, वो भी हमारे निर्णयों से बंधा है, और उसी विश्वास का आधार ले मैं मगध के राजतंत्र से पूछता हूं कि किस भय से आक्रांत थी मगध की सर्वोच्च सत्ता कि पाटलिपुत्र में दो छात्रों को दिन दहाड़े पाटलिपुत्र के राजमार्गों पर घसीटा गया। मैं पूछता हूं मगध के उन नागरिकों से जो उन छात्रों की दुर्दशा देखकर भी मौन थे, किस भय से आक्रांत है मगध के नागरिक कि अपनी इच्छा व्यक्त करने से भी डरते हैं, क्या व्यवस्था है मगध के नागरिकों की सत्ता से अपने मतभेदों को शब्दों में व्यक्त करने से भी डरते हैं, और अगर यही स्थिति रही तो मगध निश्चित समझे कि एक दिन बवंडर उठेगा जो मगध के राजतंत्र को धूल में मिला देगा। देवी सुमुखी यहाँ देखिए, आपकी सुंदरता में और शोभा बढ़ा सके ऐसे पांडे देश के रस समुद्र के मोती विदर्भ कलिंग से लाए गए हीरे। देवी सुमुखी मात्र इन्हें एक बार छू कर देखें, देवी का मन मोहित हो जाएगा। मेरे निवास तक पहुँचा देना। जैसी आज्ञा देवी। देवी सुमुखी यह अशोक देखिए, श्रावस्ती से मैं इसे लाया हूँ, आप सही मधुर बोलता है, आपके अभ्यागत का यह मन बहलाएगा। मेरा निवेदन है कि आप इसे ले जाइए, मूल्य मात्र 3 पण है। मेरे सेवक से मूल्य ले लेना। जैसी आज्ञा देवी की। आचार चरण जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी आ रहे हैं देवी।
पाटलिपुत्र के मार्गों को अवरुद्ध कर। मैं मगध की सत्ता को आवाहन नहीं दे रहा हूँ। मेरा संघर्ष शोषण के विरुद्ध है। शोषण के विरुद्ध जनमत जागृत करने के लिए, मागधों का सत्य से साक्षात्कार कराने का प्रयास यदि मेरा अपराध कहा जा सकता है, तो मगध के हित में मैं अपराध करने का दुस्साहस कर रहा हूँ। कल दोपहर को महामंत्री शक्तार उनकी संतानों को बंदी बनाया गया और पाटलिपुत्र के नागरिक यह न्याय देख रहे थे। क्या अपराध था महामंत्री शक्तार का कि उन्हें बंदी बनाया गया? क्या अपराध था महामंत्री शक्तार उनकी संतानों का कि उन्हें कारावास में झोंक दिया गया? है कोई मागध यहां जो धन्नन से शक्तार के बारे में पूछने का साहस कर सकता है? अगर यही वर्तमान है मगध का, तो मगध का भविष्य क्या होगा? कब तक हम सहेंगे धन्नंद के अत्याचार? यह अत्याचार का प्रतिकार करने की हमें शक्ति नहीं रही। हम सिपाही हैं, सिपाही किसी को भी पकड़ सकता है, तुम पकड़े गए हो। चाहो तो विष्णु से पूछ लो, मैंने तो पहले ही कह दिया था, हम चोर सिपाही नहीं, धन्नंद और शक्तार का खेल खेल रहे हैं, और मैं धन्नंद हूँ। विष्णु विष्णु, ये मैं मूर्ख बना रहा है, पहले तो चोर बना था, धन्नंद बन गया, कहता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। वो ठीक कह रहा है, सत्ता के आगे चतुराई नहीं चल सकती, ना ही सच, उसे तो बस शक्ति की ही भाषा समझ में आती है। दौड़ा उसे। विष्णु 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 विष्णु, पंडियन में तुम्हारे पिता महाराज धन्नन आमने सामने खड़े हैं। में पलने वाले कुकुर, इसको भी इसके मित्र शक्तार के पास पहुंचा दो।
विष्णु, 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 तेरे पिता कहाँ है विष्णु? मैं तुझसे पूछ रही हूं, तेरे पिता कहाँ है विष्णु? तू बोलता क्यों नहीं? पागल हो गया है क्या? तू बोलता क्यों नहीं? अगर तुझे जनक की पत्नी होने का गर्व है और मेरी माँ होने का अभिमान, तो यह प्रश्न कभी मत पूछना। माँ, यदि तुझे अपने पति के मरने का शौक मनाना है तो मना ले, पर मैं आंसू बहाकर अपने पिता के पुण्यों को नहीं धोऊंगा। सुन, तेरे पति को धननंद के सिपाही उठा ले गए। मुझे तुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है विष्णु। सत्य बड़ा कठोर होता है माँ। पर तेरे पिता जीवित भी तो हो सकते हैं। मैं तुझे सहानुभूति के कोई शब्द नहीं कहूंगा, कोई आश्वासन नहीं दूंगा। तुझे इस सच्चाई के साथ ही जीना होगा कि तेरा पति जीवित नहीं है। नहीं विष्णु, वे भला एक शिक्षक को क्यों मारेंगे? वे उन्हें बंदी बनाकर कारागार में रखेंगे, पर मारेंगे नहीं। हाँ, वे भला एक ब्राह्मण को क्यों मारेंगे? मेरा मन कहता है तेरे पिता जीवित हैं। तू भी ब्रह्म में जीना चाहती है, उसी ब्रह्म में जिसमें तेरा पति जीता था, कि मगध के लोग उसकी सहायता को आएंगे। अगर तेरा पति जीवित भी है तो उसे रोज थोड़ा थोड़ा मारा जाएगा, इसलिए तोड़ दो अपने इस झूठे विश्वास को। नहीं, मेरा मन कहता है तेरे पिता जीवित हैं। तेरा पति कोई मामूली चोर या हत्यारा नहीं था, वह सच के लिए लड़ने वाला था, और सच के लिए लड़ने वालों को कारागार की सलाह के नहीं, मृत्यु ही रोक सकती है। तेरा पति, तेरा पति, तुझे मुझ पर बिल्कुल दया नहीं आती? क्या वो तेरा पिता नहीं था? जो मरा है वह तेरा पति था। मेरा पिता तो मेरे हृदय में है, मेरे रक्त के कण कण में है, मेरी धमनियों में चाणक्य तो बह रहा है। वह मर ही नहीं सकता, वो जी रहा है, जिएगा मेरे साथ, चाणक्य पुत्र चाणक्य के साथ हमेशा जिएगा। तो सुनो चाणक्य, मेरा पति भी नहीं मरा, वो मेरे पुत्र चाणक्य में जीवित है। तो वचन दे माँ, यदि पिता जीवित भी हो तो तू उनके प्राणों की भीख धननन से अथवा किसी भी मागस से नहीं मांगेगी। वचन देती हूँ चाणक्य। नीति शास्त्रामृतं धीमान अर्थशास्त्र महोदधे समुद्रधे नमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय वेदसे यस्याभिचार वज्रेण वज्रज्वलन तेजसः पपातमूलतः श्रीमान् सुपर्वानंद पर्वतः नीति शास्त्रामृतं भीमान् अर्थशास्त्र महोदधे समुद्रधे नमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय वेधसे यस्याभिचार वज्रेण वज्रज्वलन तेजसः पपात सुपर्वानंद पर्वतः नीति शास्त्रामृतं धीमान्।